व्हाट्स अप गाइस, आज हम देखने वाले हैं सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट एक्सप्लेन्ड। क्या है नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के ऊपर आपकी जितनी भी गलत फहमी होंगी या इन्फॉर्मेशन जिसको नहीं पता है पूरी डिटेल में तो पता लग जाएगी। आज हम कफन तंत्र का एपिसोड है, वीडियो की काफी इंटरेस्टिंग। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। इसकी माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता CAA छीन ही नहीं सकता क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। CAA जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं होना। तो बस फाइनली सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू हो ही गया। इसके इम्प्लीमेंट होने के साथ ही अफवाहों का दौर भी शुरू हो गया है। एक लॉबी ने फिर से ये झूठ फैलाना शुरू कर दिया है कि इस अमेंडमेंट के लागू होने के बाद से भारतीय मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। अच्छा। उनसे उनके दस्तावेज मांगे जाएंगे। खबर आने के बाद से लगातार एक कोशिश की जा रही है कि इस कानून के नाम पर देश के मुसलमानों को भड़काया जाए, मगर यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या है नागरिकता संशोधन अधिनियम, इसके लागू होने से किस किस को फायदा होगा, क्या ये कानून भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है? आइए एक एक करके इन तमाम सवालों के जवाब देते हैं। गृह मंत्री जी, CAA कब लागू होगा? CAA देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले इसको कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, 11 मार्च 2024 को एक अधिसूचना लाकर केंद्र सरकार ने CAA 2019 को लागू कर दिया। इस एक्ट के लागू होने के बाद से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई और जैन धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया। इस कानून को लाने के पीछे भारत सरकार का मकसद ये है कि ऐसे गैर मुस्लिम जिनका इन तीन मुस्लिम देशों में धर्म के आधार पर अगर उत्पीड़न हुआ है, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाए। इस कानून के अंडर कोई भी नॉन मुस्लिम जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आया है, वो सरकारी पोर्टल पर जाकर भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। उसे बस ये बताना होगा कि वो भारत कब आया। आपको बता दें, 1947 में पाकिस्तान बनने के 2 साल बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते में दोनों देशों ने इस बात का आश्वासन दिया था कि वो अपने देश में रह रही माइनॉरिटीज को पूरी सुरक्षा देंगे, मगर इतने सालों में पाकिस्तान और बाद में उससे निकलकर बने बांग्लादेश में हिंदू, सिखों और बाकी माइनॉरिटीज की क्या हालत हुई, ये किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत का तो इसी से अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री एक दलित हिंदू जोगेंद्र नाथ मंडल थे, मगर पाकिस्तान में अपने साथ हुए बुरे सलूक के चलते वो 1950 में वापस भारत आ गए और बाकी जिंदगी बंगाल में गुमनामी की जिंदगी बिताने को मजबूर हो गए। भारत में बहुत सारे लोगों का मानना था कि पाकिस्तान ने नेहरू लियाकत समझौते के तहत अपनी माइनॉरिटीज को सिक्योरिटी नहीं दी थी, इसलिए ये भारत का फर्ज है कि वो इन देशों में रहने वाले हिंदू, सिखों और बाकी अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दे। क्या भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है? अब आता है सबसे बड़ा सवाल या ऐसा मुद्दा जिसे लेकर लगातार अफवाहें फैलाई जा रही है। कुछ लोग लगातार ये झूठ फैला रहे हैं कि ये कानून भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है। इससे पहले कि हम उस झूठ की पोल खोलें और आज के मेन सवाल पे बात करते हैं कि क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है, तो इस बारे में साफ कर दें कि इस कानून का भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने भी क्लियर किया कि CAA नागरिकता देने का कानून है, न कि छीनने का, और इसका भारत के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग ये बोलकर इस कानून को भेदभाव वाला बता रहे हैं कि इस कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले सभी धर्मों के लोगों को शामिल किया गया, मगर मुसलमानों को नहीं। अरे भाई, अगर इस बात की शिकायत है तो उसे भी क्लियर कर देते हैं और इसे समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये तीनों ही मुस्लिम देश। अब इन देशों में अगर माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार होता है, वो माइनॉरिटीज जो देश के बंटवारे से पहले भारत का ही हिस्सा थी, तो क्या भारत का यह फर्ज बनता है कि वो इन लोगों को प्रोटेक्ट करे? अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इन तीनों मुस्लिम देशों में रहने वाले मुसलमानों के साथ मुसलमान होने की वजह से अत्याचार किया जा रहा हो, ऐसा तो है नहीं। कुछ लोग ये भी आर्गुमेंट देते हैं कि मगर इन देशों में शिया और अहमदिया मुसलमानों का टॉर्चर किया जाता है, तो भाई शिया और अहमदिया तो मुसलमानों का एक सेक्ट है, सेक्शन है, और CAA धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए, किसी मजहब के अंदर पीड़ित लोगों के लिए नहीं। लोग ये भी तर्क देते हैं कि भाई 47 में जब पाकिस्तान धर्म के आधार पर पहले ही भारत से अलग हो चुका है, तो फिर 71 में उससे अलग होकर बांग्लादेश भी बन गया, जो अगेन मुस्लिम कंट्री है। जब पहले ही मजहब के नाम पर भारत से 2 देश निकल चुके हैं, तो अब इन देशों के भी मुसलमानों को भारत में अगर सिटीजनशिप दी जाएगी, तो फिर भारत ने अपना बंटवारा सहा ही क्यों? बताइए।
क्या पहली बार आया है ऐसा कानून? एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या पहली बार इस तरह का कानून आ रहा है, तो बता दो नहीं, इससे पहले दो बार ऐसे कानून आ चुके हैं। आपको बता दें इस तरह का पहला कानून 1950 में तब आया था जब नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर अम्बेडकर देश के कानून मंत्री थे। उस वक्त दी इमिग्रेंट एक्ट लाया गया था। उस कानून को लाने के दो मकसद थे, एक तो जो लोग किसी गलत इरादे से असम में घुसे थे उनकी पहचान करके उन्हें देश से बाहर निकालना, और दूसरा ऐसे सिखों और हिंदुओं को भारत में रुकने की इजाजत देना जिनका धर्म के आधार पर पाकिस्तान में उत्पीड़न हुआ था और वो भारत में आ गए थे। इसके बाद 2003 में वाजपेयी जी की सरकार ने गुजरात और राजस्थान की सरकारों को ये खास राइट्स दिए थे कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए हिंदुओं और सिखों को भारत की नागरिकता दें। कितने लोगों को मिलेगी नागरिकता? आपको बता दें सीए को लेकर नोटिफिकेशन आने के बाद कोई भी एलिजिबल आदमी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। खबर आने के बाद से इस फैसले पर सबसे ज्यादा स्वागत पश्चिम बंगाल की मतुआ कम्युनिटी कर रही है। फैसला आने के बाद से ये लोग लगातार सेलिब्रेट कर रही है। ये वो कम्युनिटी है जो बेसिकली पूर्वी पाकिस्तान से बिलोंग करती है और बांग्लादेश बनने के बाद ये लोग भारत आए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि पश्चिम बंगाल में मतुआ कम्युनिटी के 30 लाख लोग हैं। जी हाँ, 30 लाख लोग। अभी तो हमने सिर्फ एक कम्युनिटी की बात की है, पूरे देश में ऐसे कितने शरणार्थी होंगे जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से भागकर भारत आए होंगे, इसका आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखकर सच में बड़ी हैरानी होती है कि जब 2019 में सीए कानून पास हुआ था तब भी बड़े लेवल पर लोगों ने इसे बिना समझे एंटी मुस्लिम अनाउंस कर दिया था। देश में इसे लेकर बवाल बहुत ज्यादा हुआ था। 100 से ज्यादा लोग प्रदर्शनों में मारे गए। और हुआ क्या? हुआ ये कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान उन नॉन मुस्लिम्स को हुआ जो इतने सालों से भारत की नागरिकता का वेट कर रहे थे। दोस्तों, हमें समझना होगा कि दुनिया में बहुत सारे रिलीजन कई देशों में फैले हुए हैं। उन धर्मों के लोग उन देशों में रह रहे हैं, मगर हिंदू हो, सिख हो, जैन हो या पारसी हो, ये वो लोग हैं जिनका असल घर भारत है। अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश में हिंदू बच्चियों के साथ लगातार जुल्म हो रहे हैं, आए दिन उन्हें कन्वर्ट किया जा रहा है और ये लोग सोशल मीडिया पर भारत से खुद को बचाने की अपील कर रहे हैं, तो क्या हम चुपचाप ये सब देखते रहें? उधर तो कह नहीं सकते हम। सच में बहुत दुख होता है। होली करते किसी पे रंग गिर जाता मुसलमानों पे तो मुसलमान हमको मारने दौड़ते थे। आज हम विश्व गुरु बनने का ख्वाब देख रहे हैं, दुनिया में हमारा रसूख भी बढ़ा है, मगर ऐसे रसूख का, ऐसी ताकत का क्या फायदा जब हम अपने ही मूल निवासियों को न बचा पाए, उन्हें शरण न दे पाए। हैरानी इसलिए भी है कि सीए के जरिए हिंदुओं और सिखों को भारत में लाने का इनडायरेक्ट विरोध वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने न जाने कितने लाख रोहिंग्याओं को गैर कानूनी तरीके से भारत में बसा दिया, वो रोहिंग्या जिनका न जाने कितने अपराधों में नाम सामने आया। इसलिए जो भी लोग सीए का विरोध कर रहे हैं या कर रहे थे, उन्हें यह बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि किसी अफवाह के बहकावे में आकर वो उन लोगों पर जुल्म न करें जिनके लिए भारत ही एकमात्र सहारा है। अगर हम भी इन लोगों को पनाह नहीं देंगे तो उन लाखों बच्चियों का, नौजवानों का वही हश्र होगा जो आज तक इन देशों में होता आया है। उम्मीद है हमने इस मामले पर एक एक पहलू अच्छे से आपके सामने रख दिया होगा। बाकी आपकी इस मामले पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना, या अब भी इसे लेकर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं। हम उस पर एक वीडियो आगे और बनाएंगे और अच्छे से उसे भी एक्सप्लेन जरूर करेंगे। और हाँ, डिस्क्रिप्शन यही चीज तो है। हमारे यहाँ पर क्या होता है, कोई कानून आता है ना, वो एक तो क्या होता है कि बेवकूफ बनाने वाले इतने बैठे हैं या फिर वो उसको तोड़ मरोड़ के ऐसे पोर्ट्रे कर देंगे कि लोग भड़क जाते हैं। और आधे लोगों ने इसे पॉलिटिक्स बनाई हुई, जैसे वो एमएसपी के ऊपर बवाल करा, उससे पहले जो लॉज लेके आए थे गवर्नमेंट जिनको वापस लिया मोदी जी ने, अगर उनको डिटेल में समझोगे ना तो वो फायदे के लिए थे। कितने सारे एनालिस्ट लोग थे, उन्होंने कहा था वो बल्कि किसानों के फायदे के लिए ही थे वो, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम होता वही चीज है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पर बैठे ऐसे ऐसे पोस्ट पे कुछ लोग हैं जो लोगों का वो प्रॉपर एक तो उन्हें बताते फायदा उठा लेते हैं, हाँ समझाएंगे नहीं। और देखा बता, जो जिनके एजुकेशन लेवल वैसी नहीं है इतनी खास, वो क्या समझ आएगा उनको, हाँ। उनसे फिर आंदोलन करा लेते। इस आंदोलन में ना कोई भी आंदोलन होता है भैया पैसे दे दे के आधों को तो बिठा देते हैं वहां पर, ठीक है। आधे से पूछो कि आधों को पता भी नहीं है अभी एमएसपी फुल फॉर्म पता नहीं थी, एमएसपी किस रिलेटेड है, कहता पराली जलाने पर रोक लगा रहे हैं उसके ऊपर है, यार पता ना लॉजिकलेस कई बार बातें हो जाती है। इसमें मुसलमानों से कोई लॉजिक नहीं है इंडिया में जो रह रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया के अंदर इंडिया के सिटीजन्स को बिना बात की तकलीफ होके उछलने की किसी को जरूरत है नहीं, क्योंकि जिसकी नागरिकता है जो है इंडिया से उसको वैसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जिनके ऊपर, जैसे पाकिस्तान से आए दिन न्यूज आती है, कितनी बार न्यूज आती है कि हिंदुओं पर कितना किस तरह फोर्स कन्वर्जन कराता है, हर एक चीज होती है, तो उनको देने के लिए अब एक मुस्लिम कंट्री से मुस्लिम्स को ही नहीं देंगे ना उस तरीके से, उनको तो फिर एक अलग तरीके से जाएगा कि वो पॉलिटिकल सियासत हो रही है उनके ऊपर या कुछ वैसे उनके हाथ हो रहा है जैसे, तो वो अलग मैटर होता है। लेकिन यहाँ पर एक बार बता दो ना कि वो धर्म के नाम पर अलग हुआ, अब उसमें से भी जब जो माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज कहा नहीं जाता कि जो वहां पर मेजॉरिटी नहीं, और मुझे लगता है कि इस बात पर फिर आप ये देखो फॉर्मली वैसे कहो ना कहो लेकिन हिंदू राष्ट्र है, ठीक है, तो हम अपने लोगों के लिए तो करेंगे ना उतना, तो
वही वाली बात है। और आप ये कानून बहुत पॉजिटिव वे में सबको लेना चाहिए और बहुत सही तरीके से। तो यही है, लोग जो मतलब जिनको इतनी नॉलेज नहीं ना, उन तक पहुंचने ही नहीं देते ये प्रॉपर नॉलेज, नहीं पहुंचने देते, यही तो दिक्कत है। अब जो देखो, अब यूट्यूब पे हमने वीडियो देख ली, ऑलरेडी जो एजुकेशन जिनका लेवल ठीक ठाक है, जिन लोग को पता यूट्यूब कैसे चलाना, वो तो समझ भी गए देख के, उनको पता भी लग गया। लेकिन आज भी ग्राउंड लेवल पर जो है ना, उनका ब्रेन वॉश करने वाले लोग है, वो तो ये वीडियो देख नहीं सकते ज्यादातर। इसलिए कहते हैं कि शेयर करो, लोगों को बताओ भी, आंदोलन भी कर रहा ना, उसके बाद जाके ना पहले भाई तुम बैठो, तुम्हारे बड़े स्क्रीन पे एक वीडियो दिखा देते हैं, ये समझो इस तरीके से। लेकिन नहीं, भड़काओ, यही तभी तो आधे लोगों की नेतागिरी चलती है। फिर मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।